कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हम सेवकों का परम आदरणीय श्री चंद्रा और साबरा पंचायत में शिविर में जिल 20 सूत्री उपाध्यक्ष ने सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। चंद्रक्यारी प्रखंड के चंद्र पंचायत और साबरा पंचायत में बुधवार को पंचायत स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार वर्मा, प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, सीओ रवि कुमार आनंद, 20 सूत्री अध्यक्ष सृष्टिधर रजवार, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष जलेश्वर दास, उप प्रमुख प्रतिनिधि अचिंतो बावरी, चंद्र पंचायत के मुखिया निर्मल मोदी, उप मुखिया कुमार गोप एवं सावरा पंचायत के मुखिया चिंता देवी, उप मुखिया नागेंद्र बावरी व पंचायत समिति सदस्य दुर्गा चरण रजवार, राजीव रजवार समेत अन्य अतिथियों ने बारी बारी से मुख्य अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया। शिविर में विभिन्न विभागों की समस्याओं के निदान हेतु लगाए गए अलग अलग स्टॉल में सर्वजन पेंशन, सावित्री फूले बाई किशोरी समृद्धि योजना, सोना सोबरन योजना, धोती साड़ी वितरण, आबुआ आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड समेत दोनों पंचायत में आबुआ आवाज में 2000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुई, जिसमें कई योजना का लाभ लाभुक को शिविर में ही निष्पादन किया गया। बाकी आवेदनों का संबंधित विभागों को निष्पादन हेतु प्रेषित किया गया, जिसका जल्द ही निष्पादन करने की बात जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार वर्मा ने कहा कि शिविर के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सभी वंचित लोगों को पहुंचाना है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी देते हुए सभी योजनाओं को वंचित लोगों को उठाने पर जोर दिया। जिल 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने कहा कि प्रदेश की हेमंत सरकार द्वारा सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा राज्य सरकार बालिकाओं के लिए सावित्री फुले बाई किशोरी समृद्धि महत्वाकांक्षी योजना लाकर बालिकाओं को आर्थिक मदद पहुंचा रही है एवं कल्याण विभाग द्वारा 4500 का अनुदान राशि दिया जा रहा है। शिविर में पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार, JSLPS BPM राकेश कुमार, प्रधान सहायक प्रभाकर सिंह चौधरी, सहायक अभियंता सूरज कुमार, कन्या अभियंता राकेश कुमार, जय जितेंद्र कुमार, बनमली बावड़ी, मुखिया प्रतिनिधि सदय बावड़ी समेत सभी विभागों के प्रतिनिधि समेत पंचायत के सभी निर्वाचित जन प्रतिनिधि सदस्य समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। चंद्रक्यारी से जावेद अख्तर स्वागत करेंगे। इस प्रकार सरकार की इतनी बड़ी योजना आई है, आपके पंचायत में ग्रामीण किस तरह लाभ ले रहे हैं? लाभ ले रहे हैं, जैसे रूप का लाभ ले रहे हैं और आवास का लाभ ले रहे हैं और बस सेट का लाभ ले रहे हैं और जाके आपको रेट वगैरह कोई पेंशन वगैरह ये सब लाभ ले रहे हैं। ज्यादातर किस पे लाभुक का अपना आवेदन जमा कर रहे हैं? ज्यादातर लाभुक का जमा कर रहे हैं। तो सरकार की से पहले भी दो साल पहले भी शिविर लगी है, ये तीसरा साल है, तो अगले वर्ष के भांति इस वर्ष क्या लग रहा है, काम होगा? काम होगा कि नहीं तो सरकार की काम है, सरकार के तो हम लाभुक जमा कर रहे हैं, सरकार किस तरह से दे रहा है, किस तरह से क्या कर रहा है, तो सरकार द्वारा विभिन्न विभागों का से लाभुकों को लाभ देने का जो कार्यक्रम सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत छांदरा में जो आयोजन हुआ है, आप लोग देखें कि अभी ऑन द स्पॉट हम लोग वृद्धा पेंशन का स्वीकृति दिए, बच्चियों को साइकिल देने के लिए 4500 रुपये करके जो चेक मिलेगा उसको भी हम लोग अभी आप लोग के सामने दिए, कंबल का वितरण किए, JSLPS को महिला समूह को हम लोग सहायता राशि का प्रदान किए, अभी सावित्री बाई फुले योजना के तहत भी हम लोग यहाँ पर बच्चियों को लाभ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सभी विभाग के स्टॉल लगे हुए हैं, इसमें कृषि अलग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, प्रखंड विकास पदाधिकारी के तत्वावधान में जो विकास योजना से मनरेगा वगैरह जो है उसको भी दिया जा रहा है, अंचल अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से यहाँ जमीन संबंधित जो है उसका भी हम लोग कैंप लगाए हुए हैं। तो हम लोगों का ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक सरकारी योजना का लाभ ग्रामीण जनता को मिले, उस उद्देश्य से इस तरीके का योजना का आयोजन ये तीसरा वर्ष चल रहा है। झारखंड सरकार की चौथी 4 वर्ष की दरमियान आम लोगों में जो इस योजना पर विश्वास लगा,
इसका आप लोगों ने यहाँ का जो भीड़ पूरे लोगों के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि लोग इस योजना पर विश्वास कर रहा है, इस योजना से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है।